ओमान के पास एक तेल टैंकर समुद्र में पलट गया। बता दें कि इस पर 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई समेत कुल 16 क्रू मेंबर सवार थे। ये सभी लापता है। वहीं घटना सोमवार 15 जुलाई की है। इस पर 13 भारतीयों के सवार होने की बात अब सामने आई है। बता दें कि ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। वहीं समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक प्रेस्टीज फाल्कन नाम का तेल टैंकर दुबई के हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ था। इस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। यह यमन के अदन पोर्ट जा रहा था। बता दें कि डुकम के पोर्ट टाउन के पास रास मद्रकाह के करीब 46 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तेल टैंकर पलट गया। वहीं क्रू मेंबर्स की तलाश में 2 दिन से सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।